सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज माय चैनल एसएम फार्मा, ट्विटर दिस इज एसएम। सो हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स के जो एमसीक्यूज होने वाले हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, उनमें डिस्कशन करेंगे और आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे इन पे अपलोड करते रहेंगे, ठीक है ना। हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको प्ले लिस्ट के नाम से मिल जाएगा, आपको इसी में प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसे आपको सभी आप देख सकते हो इजीली, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्टिव फेज फर्स्ट एंड फेज 11 रिएक्शन आर द मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, कौन सी होने वाली है, ठीक है ना। हम ओनली डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे इसी वीडियो में तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम ओनली यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही निकालेंगे, और एक्सप्लेनेशन का है तो हम आने वाले टाइम में उसी पर भी वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 11 रिएक्शन आर द मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, किसमें आती है, ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोनेशन में, ठीक ना। ये आपके एक मिनट, आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। आप एक बार ऑप्शन आंसर देख लीजिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन, तो कौन सी होने वाली है इसमें, डिजॉक्सिन, ठीक है ना, डिजॉक्सिन। आंसर देख लेते हैं एक बार, यस। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थेरेप्यूटिक क्लास हैज बीन प्रोवाइड क्लिनिकली एज ए फर्स्ट लाइन थेरेपी और हार्ट फेलियर एंड हैज शो डिक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन इम्प्रूव सिम्टम्स एंड डिलेड डिजीज प्रोग्रेशन, तो कार्डिक इसमें क्या होने वाला है, किसकी वजह से ये हम डिक्रीज वगैरह होगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं ऐसे इनहिबिटर, ठीक है ना, ये अपना ऐसे इनहिबिटर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज द न्यू ड्रग टारगेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस, ठीक है ना। आपको पता है डायबिटीज दो टाइप की होती है, डायबिटीज मिलेटस, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है ना। तो डायबिटीज मिलेटस में कौन सा होने वो डिस्कशन देखना है। तो इसमें ऑप्शन हो गया आपका ए, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2, ठीक है ना, SGLT2, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फाइव के अंदर चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन कैरियर्स हाईएस्ट रिलेटिव रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद सिंगल एक्सपोजर, मतलब सबसे हाईएस्ट रिस्क कौन सी, इनमें से कौन से होने वाला है। आपको पता है सब इनमें सब तो है, बट हाईएस्ट में कौन सा होने वाला है ये पूछ रहा है इसमें। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से, ठीक ना, ये आपका आंसर निकल दिए नीचे, ये हो गया ए, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स की। तो सिक्स में आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ए क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन, मतलब मेजर रोल न्यूरोट्रांसमीटर में कौन सा प्लेइंग मेजर रोल करता है इसमें से। तो ये आपका हो गया बी, डोपामाइन, न्यूरोफेराइन एंड सेरोटोनिन, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ए, 55 ईयर्स ओल्ड मैन इज अंडर डोर्स ट्रीटमेंट, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि डोर्स ट्रीटमेंट की फुल फॉर्म क्या है, ठीक ना। एक बार, ट्रीटमेंट फॉर पुलोमोनरी ट्यूबरकुलोसिस फॉर द लास्ट 4 मंथ, नाउ ही हैज डेवलप्ड सिम्टम्स ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट एडिशन इज टू हैज थेरेपी टू मैनेज पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक ना। तो इसमें कौन सा आंसर होने वाला आपके, पायरिडॉक्सिन, ओके, पायरिडॉक्सिन, ये आप आंसर देख लेते हैं, यस राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, या फिर क्वेश्चन का कुछ अच्छा से, हाँ ये क्वेश्चन में क्या बी आ गया ना, एट की जगह, चलो कोई नहीं। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक्स, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होने वाला है लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए। तो बात बी, आंसर होगा बी, ब्लॉक्ड ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को, ठीक है, आंसर हो गया अपना बी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमिया ड्रग्स एक्ट बाई इनहिबिटिंग पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, तो कौन सी होने वाली, यहाँ पे हो गया अपना आंसर सी, एमियोडेरोन, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की बात करें, 48 ईयर ओल्ड में वुमेन इज
वैसे आपको पता है आज वुमेंस डे है, तो आप सभी को हैप्पी हैप्पी वुमेंस डे। नेक्स्ट बात करते हैं, 48 ईयर्स ओल्ड वुमेन इज हैविंग द सिम्टम्स ऑफ वेट गेन कॉल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, ब्रैडीकार्डिया, फूफी, पेस लेंथ्री एंड ड्राई स्किन। दिस सिम्टम्स आर सजेस्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब आप किस चीज़ को अफोर्ड करेंगे उसके लिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म आंसर देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, कौन सा लिगेंड गेटेड आयन चैनल नहीं है इसमें, ऐसा पूछा गया है। एक तो आपको नॉट का और एक्सेप्ट का ध्यान रखना है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वर्ड कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो आंसर अपना होगा एस टू रिसेप्टर, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग्स क्यूज साइड इफेक्ट लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ के लिए ड्राइनेस है ना, ट्रेकिकार्डिया, यूरिनरी रिएक्शन, कॉन्स्टिपेशन, बर्निंग ऑफ विजन, प्रिसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा, ड्राइनेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कंजेशन, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, एंटी कोलिनर्जिक बी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइनिंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरीज इन इन्फ्लामेशन एंड आर द टारगेट्स ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स यूज टू रेमेटॉइड एराथाइटिस, है ना। तो इसका आंसर होने वाला अपने ए ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर ए एंड इंटरलुकिन वन, लेकिन इसको मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले, देखो ये वीडियो क्या है कि बहुत ही लेंथली मिल जाए, बन जाएगा, इसी वजह से मैंने क्या सोचा है कि आपको एक्सप्लेनेशन का अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम एग्जाम पास में है, तो उस हिसाब से मैंने उसी हिसाब से सोच के इस वीडियो लेक्चर को बनाया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको जो भी वीडियो इन्फॉर्मेशन होने वाली है आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाए इजीली, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसका थर्ड आंसर दे देते हैं ए, है ना, आंसर ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरलुकिन वन, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। तो इसका आंसर होने वाला आपने डी, मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ द एगोनिस्ट कैन नॉट बी अचीव्ड इन देयर प्रेजेंस बाई इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट, ओके, ये अपना आंसर आ गया डी। नेक्स्ट बात करते हैं, एटापिक, सॉरी वर्ड की आपको पता है बहुत अपने फार्मा में बहुत अजीब सी है, एटिपिकल एंटी साइकोट्रोपिक डिफर्स फ्रॉम द टाइपिकली एंटी साइकोट्रोपिक इन वेरियस वेज डेट डिफाइन दैम एज एन एटिफाइकल Michael, which one of the following is not a defining property of the atypical antipsychotics, है ना, वो वर्ड क्या आपको पता है, अपने फार्मा में ऐसे वर्ड हैं कि बहुत सी अजीब खाते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सस्टेन हाइपर प्रोलैक्टिथेमिया, ठीक है ना, आपको आंसर दे देते हैं, ये आ गया ए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेन्यूज एंड एंट्रियोल्स, ठीक ना। तो इसका आंसर होने वाला आपने सोडियम नाइट्रोफ्लोरॉक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सत्रहवें नंबर में, एंटीवायरल एक्शन ऑफ प्यूरिन एनालॉग्स इज प्राइमरली रिलेटेड टू फ्लोइंग्स, है ना। तो आपको इसमें बात करनी है, तो क्या इसमें होने वाला है, इनहिबिशन ऑफ आरएनए सिंथेसाइज, इनहिबिशन ऑफ डीएनए पॉलीमराइज, इम्यूनोडाइजेशन, इनहिबिशन ऑफ वायरल पेनिट्रेंट, क्या होने वाला है इसमें करेक्ट, आपको चूज करना है, ठीक ना। तो अब इसमें अपना आंसर होने वाला है, एक बार आप टाइम ले लीजिए, आप सोचिए क्या होने वाला है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन होने वाला राइट क्यू, ओके, इनहिबिशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आपका आंसर ये रहा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर इंडिकेटेड फॉर ए वेराइटी ऑफ मैग्नेशियस, ठीक है ना। तो इसका आंसर होने वाला आपने इमाटिनिब, ठीक है ना। आपको पता अपने जो नेम्स आते हैं वो बहुत ही डिफरेंट आते हैं, ये आपके आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी विन डिटेक्ट इन यूरिन। तो क्या होता है उसके लिए आपको इसमें देखना है कौन सा हार्मोन या क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं, आंसर अपना हो गया इसमें सी, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, है ना, HCG, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर पे चलते हैं, 20, फॉलोइंग आर द सेम ओपिओइड एनालॉग्स, है ना, सम ओपिओइड्स एनालॉग्स। तो इसमें कौन सी नंबर वाइज देना है, मतलब कि कौन सा कैसे है हाई लेवल में वगैरह, ठीक है ना। तो इसका अपना आंसर हो गया डी, ठीक है ना, डी हो गया, ठीक है। कैसे एक बार देख लेते हैं आंसर में भी, हाँ डी, है ना। फर्स्ट आएगा अपने फेनेंथाइनल, फिर आएगा अपने मॉर्फिन, पेटेडाइन और पेंटाजोकाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम 21 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स एल्कलॉइड्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लाइसिन, ठीक है। तो लाइसिन से एल्कलॉइड्स की ड्राइव करनी है, तो इसमें अपना हो गया सी, लोबेलाइन, आंसर आपने देख लेते राइट। हिस्टोलॉजिकली द बार्क ऑफ सिनोमिन कसिया एंड सिनामोनियम जियोलेनेसियम डिफर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाई डैट। तो इसका आंसर हमने होने वाला है कॉर्टेक्स, ठीक है डी। नेक्स्ट बात करते हैं, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आर गिवन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेपोनिन्स। देखिए एक बार आप सोचिए इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। सॉरी उसका आंसर मैंने डी बताया, सही सही, इसका आंसर बताइए। तो सेपोनिन्स गिव प्रेसिपिटेट बाय सेकिंग विथ वाटर, क्या ये होने वाला है। सेपोनिन्स आर ड्रेपेटनिन्स एंड गिव फ्रॉम ए सेकिंग इन वाटर विथ वाटर। सेपोनिन्स आर ट्राइपेनोइडल कंपाउंड्स एंड क्योज हेमोलाइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। दे आर स्टेरॉइडल और थ्रोपोइडल कंपाउंड्स विथ टेंडेंसी टू रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो इसका आंसर होने वाला है अपने डी, ठीक है ना, PQRS, ठीक है ना, ऐसे होने वाला है PQRS, मतलब सभी ऑल ऑफ द, ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेलेक। तो इसका आंसर होने वाला आपने एक बार आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं इसके लिए, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक ना। तो इसका आंसर होने वाला आपने सी, PQR, मतलब P+ PQ+ एंड RNS2, ठीक है ना। आंसर देख लेते हैं सी, सॉरी डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 में, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ साइमोबोगन सिट्रस इज क्रिटिकल विच इज यूटिलाइज कमर्शियली फॉर द फॉलोइंग्स। तो इसका आंसर होने वाला है अपने डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे बी, ठीक है ना। एक बार आप देख लेना अच्छे से, मैं रोक ले लेता हूँ, ठीक है, आप पॉज करके अच्छे से देख लेना। आंसर होने वाला बी, ऑप्शन देख लेते हैं, यस बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूंट इज रिपोर्टेड टू हैव एंटी हेप्टोटॉक्सिक एक्टिविटी, ठीक ना, कौन सी हेप्टोटॉक्सिक एक्टिविटी शो करने वाला है। तो आंसर होने वाला अपने बी, एंड्रोग्राफिलॉइड, यस। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स एप्लीकेबल टू लिगेंड्स आर करेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर वन आइडेंटिफाइड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो
इनकरेक्ट बताना अपने को स्टेटमेंट, ठीक है ना। एंड लिगेंड्स आर फॉर्मेड बाय डिमर्जेशन ऑफ द फेनाइल प्रोपेन मोएटी, ठीक है ना। एक बार आप देख लेना, हम डायरेक्ट आंसर पे चलने वाले हैं। तो अपना आंसर होने वाला है सी, ठीक है ना। लिगेंड्स कैन बी फॉर्मेड बाय साइक्लाइजेशन ऑफ फेनाइल प्रोपेन न्यूक्लियस सी, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिजोम्स ऑफ जिंजिबर ऑपिसिनेलल कंटेन सम सुस्क्यूट्रोपेन हाइड्रोकार्बन, सम हाइड्रोकार्बन आर गिवन ब्लो। तो कौन से होने वाला है इसमें, वो देखना अपने कौन है ना, कौन कौन से होने वाला है। तो अपने आंसर होगा यहाँ पे ए, ठीक ना, पी एंड सी, ए राइट, पी एंड सी। तो थ्री बाई से बोलेन और एस में कौन सा होने वाला है, जिंगाबरीन ना। नेक्स्ट बात करते हैं, लिस्टेड बिलो आर द केमिकली टेस्टेड यूज टू आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्यूरिन एल्कोलाइड्स। प्यूरिन एल्कोलाइड्स को आपको डिटेक्ट करना है, कौन सा डिटेक्ट होता है उससे, है ना, कौन सा टेस्ट से होता है। तो आपका आंसर होने वाला है बी, मुरेक्साइड टेस्ट, ठीक ना, यस। और आप बताइए मुझे, ठीक ना, यहाँ पे वेटाली मोरिन टेस्ट किसके लिए होता है और सिनोडा टेस्ट किसके लिए होता है। किलर ग्लियानी टेस्ट होता है अपने ग्लाइकोसाइड्स में होता है, एक तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक ना, उसके अंदर भी किसके अंदर होता है वो आपको बताना है, ठीक ना। क्या ये डिजिटालिस में होता है या सीना के लिए होता है या किसी अदर के लिए होता है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, और आपको सभी को पता है कि हम आने वाले टाइम में सारे एमसीक्यूज पे काम करेंगे और आपको पता है कि वैकेंसी की अपडेट देते हैं हम, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले आने वाली जो भी वीडियोस हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होने वाली इंपॉर्टेंट, वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स ए पेयर ऑफ प्रिकर्सर, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, कौन सा करेक्ट पेयर है ना। तो इसमें आपने आंसर होने वाला है ए, ऑर्निथिन एंड फेनाइलएलनिन, यस राइट। थैंक यू सो मच, आप इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप पूरा इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, इसके लिए थैंक यू।